कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने बीते साल दिसंबर में राजस्थान के एक रेजोर्ट में शादी की थी। दोनों ने पूरी कोशिश की थी कि शादी की खबर मीडिया को न लगे, हालांकि सब कुछ लीक हो गया था। वहीं उनके वेडिंग वेन्यू पर भी सुरक्षा के कड़े पहरे थे। शादी तक दोनों मीडिया से कुछ नहीं बोले, फिर बाद में अपने फोटोज खुद सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए थे। शादी को इतना सीक्रेट रखने को लेकर काफी मीम्स भी बने थे। अब कैटरीना कैफ ने खुद बताया है कि अपनी शादी तक वह और विकी कौशल चुप क्यों रहे थे। मंगलवार को विकी कौशल और कैटरीना कैफ फिल्म फेयर अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर थे। दोनों कई मेहमानों के बीच साथ में बैठे दिखाई दिए। विकी को जब सरदार उधम सिंह के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो कैटरीना ने उनके गाल पर किस भी किया। कैटरीना से जब पूछा गया कि चुपचाप शादी क्यों की तो उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि प्राइवेट रखने से ज़्यादा हम कोविड 19 से जुड़े प्रतिबंधों के चलते मजबूर थे। मेरे परिवार के लोगों को भी हुआ था तो इससे हमें सीरियसली लेना था। कैटरीना बताती हैं, मुझे लगता है कि यह साल काफ़ी बेहतर रहा है, लेकिन हम कोविड की वजह से कुछ ज़्यादा सतर्क रहना चाहते थे, लेकिन शादी बहुत अच्छी रही। मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत खुश हैं। कैटरीना के वर्क फ्रंट पर बात करें तो वह कॉमेडी फोन भूत में नजर आएंगी। उनके साथ ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी होंगे। फिल्म 4 नवंबर को रिलीज होगी। वहीं सलमान खान के साथ टाइगर की तीसरी मूवी में काम कर चुकी हैं। कैटरीना तमिल स्टार विजय सेतुपति के साथ मेरी क्रिसमस में काम करेंगी। वहीं आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा के साथ जीले जरा में काम करेंगी।